लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 34 में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूं विवेक बजाज और मैं आपको सिखा रहा हूं ट्रेडिंग और अनुपूर्णा जी को भी सिखा रहा हूं ट्रेडिंग हेलो हेलो सर कैसे ऑल गुड सर सो ऑप्शंस की चालू हो गई आपकी पिछला सेशन 33 में मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ ऑप्शन कॉल ऑप्शन क्या है पुट ऑप्शन क्या है बायर ऑफ कॉल ऑप्शन सेलर ऑफ पुट ऑप्शन इन सब का क्या मतलब है इन द मनी क्या होता है आउट ऑफ द मनी क्या होता है राइट right? yeah. एकदम प्रिंसिपल ये क्लियर हो गया राइट 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 दोस्तों आपने पहला अगर वीडियो नहीं देखा ऑप्शन ट्रेडिंग वन लर्न टू ट्रेड सेशन नंबर तैंतीस अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए पहले उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा बिकॉज ये एक पाँच छः वीडियोज का सीरीज है ऑप्शन ओरिएंटेड जो लर्न टू ट्रेड सीरीज का पार्ट है जो मैं चला रहा हूँ ठीक है okay. आज हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं ठीक है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है एक एक वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूँगा और स्ट्रैटेजीज जैसे तेजी में हमको क्या करना चाहिए मंदी में क्या करना चाहिए वो अपने सीखेंगे ओवर अ पीरियड है बट मैं आपका एकदम बेस क्लियर कर रहा हूँ पहले ठीक है ओके एन okay. एस की साइड पे चलते हैं क्योंकि ऑप्शन से बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हमको लेना है तो पहले एन की साइड से हमको मिल लेना होगा तो कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जो एफ के अंदर में है जिसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलायंस आई थिंक लास्ट टाइम हमने रिलायंस का एग्जाम्पल लिया था ना तो चलिए रिलायंस को सर्च करते हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज और यहाँ पे डेरिवेटिव्स के अंदर में ऑप्शन चेन तो आज हम लोग चर्चा करते हैं ऑप्शन चेन चेन के बारे में ओके ओके ठीक है मतलब सो so, uh, जब दो कड़ी एक दूसरे से जुड़ती है तो चेन बन right. जाती है चेन uh, सोने का चेन या लोहा का चेन right. आप देखे होंगे ना तो एक से एक से, एक से एक से, mm -hmm. एक से तो ऑप्शन चेन का भी मतलब हो गया कि सारी कड़िया जुड़ रही हैं तो ये आपने देखा भी होगा लास्ट टाइम ने डिस्कस किए थे मैंने बस इंट्रोड्यूस किया था इसको बट आज थोड़ा डीपली इसके अंदर में जाएंगे ऑप्शन चेन होता क्या एग्जैक्टली तो लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन है राइट साइड में पुट ऑप्शन है ये एन ए प्रेजेंट कर रहा है हो सकता है कोई बोलता है मैं लेफ्ट में पुट और राइट में कॉल रखूंगा जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा काम कर सकता है चेन के अंदर में क्या क्या आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है अरे ओपन इंटरेस्ट ओपन yeah, इंटरेस्ट yes, uh, मतलब कितना पोजिशन खड़ा है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में hmm. हर पोजिशन में एक बायर होगा और एक सेलर होगा ठीक है राइट बट हमको नहीं पता है कि इसमें बायर है कि सेलर है ही hmm. है राइट ओपन इंटरेस्ट की इतने लोग पोजिशन बना के बैठे हैं इतना कॉन्ट्रैक्ट okay. सॉरी इतने लोग ने इतना कॉन्ट्रैक्ट का पोजिशन खड़ा है तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कितना चेंज हुआ है कि कल कितना था और अभी कितना है एक्सचेंज की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ये ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है वो रियल टाइम नहीं दिखता इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज एन में रियल टाइम नहीं आता है अच्छा कुछ मिनट्स डिलेड है जितना मेरा अंदाजा है ये करीबन तीन मिनट डिले है ठीक गे? है तीन मिनट डिले क्यों है क्योंकि एक्सचेंज को प्रोसेसिंग करने में टाइम लगता है तो इसीलिए तीन मिनट से चार मिनट का डिले रहता है ओपन इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि हमारे लिए डिले है सबके लिए डिले ओके ठीक है तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब हो गया कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है पिछले दिन के मुकाबले वॉल्यूम का मतलब हो गया कितना एक्टिविटी हुआ है उस स्ट्राइक प्राइस में आप देखिए यहां पे स्ट्राइक प्राइस है स्ट्राइक प्राइस का मतलब हो गया कि आपके ऊपर चॉइस है कि किस स्ट्राइक प्राइस का कॉल आप बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं या पोट आप बाई करना चाहते हैं सेल करना चाहते हैं राइट right. अगर करेंट मार्केट प्राइस के दूर हुआ तो या तो वो इन द मनी होगा या आउट ऑफ द मनी होगा डिपेंड करता है कॉल या पुट करेक्ट ये कॉन्सेप्ट आपने को याद है ना यस yes, तो ये करंट मार्केट प्राइस के इधर में है तो ये इन द मनी कॉल है और ये इधर में है तो वो इन द मनी पुट है mm -hmm. तो ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम आई ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सीखेंगे बिकॉज अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है mm -hmm. और आप आई को नहीं जानते हैं

then ask prices what is the price people are willing to sell ask quantity is this ab aap dekhiye reliance mein 1360 rupees ka strike price abhi reliance ka price kya chal raha hai 2000 1360 rupees ka strike price pe kisi ko call option kharidna hai 646 mein mm और -hmm. किसी को call option बेचना है 823 में दोनों के बीच में कितना difference है right. इसको बोलते हैं and ask spread. ठीक okay. है बेसिकली आइडियली वेरी टाइट नो हुँ. अगर टाइट है तो इसका मतलब नहीं है जो इस प्राइस पे लेना चाह रहा है और इस प्राइस पे बेचना चाह रहा है, ये एक ही है, एक है जो काम कर रहा है okay. इसको कहते हैं मार्केट मेकर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट ऑप्शंस में मार्केट मेकर का बहुत बड़ा रोल है मार्केट मेकर क्या करता है वो फेयर प्राइस निकालने की कोशिश करता है हर इंस्ट्रूमेंट में चाहे वो कैश मार्केट में है चाहे में फ्यूचर्स में ऑप्शन में वो फेयर प्राइस निकालने की कोशिश करता है और फेयर प्राइस से दूर लेने खड़ा हो जाता है और इधर बेचने खड़ा हो जाता है ठीक है तो सपोज किसी को ये ऑप्शंस बेचना है तो वो इसको बेचेगा 646 में बेच राइट right. तो उसके पास आ गया 646 हुँ. में हुँ. और किसी और को लेना है तो वो 823 में ले लेगा right. तो इसका बिक गया 823 में हुँ. तो मार्केट मेकर का कमाई कैसे हुआ 646 में आ गया एट right. ट्वेंटी में बिक गया तो मार्केट मेकर की कमाई होगी तो बिड अनास के स्प्रेड के बीच में कमाई जो है वो मार्केट मेकर करता है ओके ठीक है ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट है तो जितने भी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स हैं प्रॉप ट्रेडिंग में जो अपना कैपिटल पे ट्रेड करते करते हैं हैं ऐसे कई फर्म्स जो मार्केट मार्केट मेकिंग के अंदर में जिनका रोल यही होता है कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करे बट उस लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के प्रोसेस के अंदर में वो आपसे पैसा कमा ले मार्केट से पैसा so वो जब बेचते और वो लेते तो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे देखिए तेरह सो साठ का स्ट्राइक प्राइस में खड़े ही है देखिये तेरह सो साठ का स्ट्राइक प्राइस एक अपने आप में इंस्ट्रूमेंट है तेरह सो अस्सी का स्ट्राइक प्राइस एक अपने आप में इंस्ट्रूमेंट है चौदह सौ का स्ट्राइक प्राइस एक अलग इंस्ट्रूमेंट है राइट अब हम रिलायंस की खाली बात नहीं कर रहे हैं अब हम रिलायंस का तेरह का कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं उसका खुद का ईगो है राइट रिलायंस का अलग ईगो है तो जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में आपको इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा और उसको वैल्यू करने के तौर तरीके हैं कि क्या बेसिस पे ये कैलकुलेट कर रहा है कि इसका फेयर वैल्यू ये होना चाहिए ओके वो मैं आपको बताऊंगा उसमें अपने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे इंटरसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू दोनों का एप्लीकेशन है ओके बट एक बार इसको पार्क कर देते हैं मार्केट मेकर आप समझ गए तो ऑप्शंस मार्केट के अंदर में मार्केट मेकर का बहुत बड़ा रोल है फ्यूचर्स में तो है ही बट फ्यूचर्स में लिक्विडिटी आ जाती है खासकर इन लिक्विड ऑप्शन में तो so, यहाँ पर मार्केट मेकर दोनों तरफ का बिडेनास दे के बैठा रहता है एल्गो ट्रेडिंग का नाम सुना आपने एल्गो ट्रेडिंग इज बेसिकली ट्रेडिंग यूजिंग एलगोरिदम्स तो मशीन्स में एल्गोस बना दिए जाते हैं कोड दिए जाते हैं और वो मशीन्स बिडेनास्क मार्केट को देता है और आप इस बिडेनास्क के आधार पे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये तो बहुत वाइड है hmm. दिस इज वेरी वाइड तो मेरे लिए तो नुकसान है इतना ऊपर में लूंगी और इतना नीचे बेचूंगी तो मैं नहीं करना चाहूंगी तो मत करिए जहां बिडेनास्क अच्छा है मतलब स्प्रेड कम है hmm. मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट कम है दिस इज बेसिकली इंपैक्ट कॉस्ट बिटवीन आस्क ओके तो जहां कम होगा वहीं आप ट्रेड करना चाहेंगे जहां ज्यादा होगा ये इंपैक्ट कॉस्ट वहां आप नहीं ट्रेड करना चाहेंगे बिकॉज आपका एंट्री और एग्जिट का कॉस्ट काफी हाई है तेरह सो साठ का कॉल ऑप्शन में कितना बड़ा प्रीमियम का वैल्यू है hmm. यही अगर हम पुट ऑप्शन को देखें तो प्रीमियम का वैल्यू क्या है पच्चीस पैसा और चालीस पैसा राइट right. क्योंकि पुट ऑप्शन तेरह सो साठ इज आउट ऑफ द मनी डीप आउट ऑफ द मनी डीप क्यों क्योंकि प्राइस इज इक्कीस सौ और तेरह सो साठ का पुट ऑप्शन मतलब कोई तेरह सो साठ का स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहा है कि मैं रिलायंस का पुट खरीद रहा हूं कि रिलायंस 1360 चला जाएगा राइट right. इतना दूर की बात है तो ना ये तो इसे होने का चांसेस तो कम है क्यों क्योंकि ये एक्सपायरी भी क्या 29 जुलाई की एक्सपायरी है और आज हो गई 26 जुलाई राइट right. तो क्या आपको लगता है तीन दिन के अंदर में ये 1360 चला जाएगा रिलायंस तो so, बहुत डिफिकल्ट है फिर भी थोड़ी तो प्रोबेबिलिटी आई कांट से नहीं हो सकता इंपॉसिबल है नहीं थोड़ा सा चांस है इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा सा है पच्चीस पैसा अगर आपको लगता है कि नहीं जाएगा तो पच्चीस पैसे को बेच दीजिए लेकिन आप बेचेंगे तो उसके इंपैक्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ये पच्चीस पैसा आपको नहीं बेचना चाहिए राइट अगर आपको लगता है कि ये चला जाएगा तो पच्चीस पैसे में मिल रहा है ये अपॉर्चुनिटी कि आप इसको ले लीजिए और तो दो तीन दिन में अगर आपके पास कोई खबर है लग रहा है कि रिलायंस घट जाएगा तो 25 पैसा इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज़ ये 25 पैसा अगर रुपया हो जाता है व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न यू कैन जनरेट राइट दैट इज ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस वेयर इफ यू गो राइट यू कैन जनरेट मैसिव रिटर्न ऑन कैपिटल बिकॉज़ विथ अ स्मॉल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट इफ यू गो राइट यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी बट बिकॉज़ प्रीमियम इज इन्वेस्टेड और लूज दैट प्रीमियम इफ प्राइस लेवल तो अगर ये आया तो ये पच्चीस में लेंगे तो चालीस पैसा खत्म हो जाएगा तो बेसिकली पैसा विद एन एजम्पन की प्राइस नीचे आ जाएगी तो इट इज नाइक इट इज नैस देन बीन प्लेइंग लॉटरी आपने लॉटरी टिकट देखा तो उसमें होता है ना कि लॉटरी का दस रुपया पचास रुपये की लॉटरी की टिकट सौ रुपये की लॉटरी टिकट लोग ले लेते हैं कि अगर लग गया तो कितना लॉटरी लॉटरी लग जाएगा तो ये बट देर इज समय बिकॉज यू कैन एस्टिमेट वेदर विल गो डाउन और नॉट यूजिंग दी थोरीज रिलेटिव स्ट्रेंथ या वो सब थ्योरी से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ये सारी बातें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और जो हमने पुरानी पढ़ाई की है टेक्निकल स्टडी सीखा है उसको यूज करके हम ऑप्शन के थ्रू कैसे ट्रेड करें मार्केट में और पैसा बनाए ये हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव साइड में देखते हैं बेडास्क बेडास्ट ठीक है चेंज एल्टीपी इंप्लाइड वाला आईवी यहां पर आईवी का कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स इट्स अ वेरी वेरी डीप इन द मनी तो इसको एक बार थोड़ा सा पास आ जाते हैं तो थोड़ा पास आते पास आते हैं यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा पास आते हैं कि जब हम लोग दो का बात करें तो दो की बात करते चलो तो दो का कॉल ऑप्शन का दाम है तकरीबन पिचासी अस्सी और पुट ऑप्शन का दाम है एक रुपया पचास पैसा राइट दो हजार का कॉल ऑप्शन का दाम पिचासी रुपए क्यों है क्योंकि दो हजार का कॉल ऑप्शन और भाव चल रहा है अभी रिलायंस का दो राइट right. क्या दाम चल रहा है, एटी है एटी 2088 2088 तो 2000 का कॉल ऑप्शन और प्राइस है 2088 तो 88 एट इज द मिनिमम वैल्यू right. क्योंकि वो उसका इंट्रेंसिक वैल्यू है hmm. क्योंकि कोई भी आपको 2000 का कॉल ऑप्शन बेचेगा तो वो तो बोलेगा कि भाई तुमको तो अभी मिल रहा है 88 एट रुपीस का कमाई True. So 88 एट इज अर मिनिमम वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस दे विल बी ए टाइम वैल्यू राइट टाइम वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी डेज ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर को है अभी जैसे 26 जुलाई है तो ये 29 जुलाई को एक्सपायर होगा तो तीन ही दिन बचा हुआ है तो उसका टाइम वैल्यू विल बी वेरी लेस ओके ओके सो लेट्स गो बैक टू दैट 2000 का कॉल ऑप्शन का तकरीबन एटी एट दाम है और पुट ऑप्शन का एक रुपया चालीस पैसा क्यों क्योंकि लोगों को नहीं लग रहा है कि ये इक्कीस दो हजार अस्सी का दो हजार okay. स्टडी बोल रहा है कि ये गिर सकता है आने वाले दो तीन दिनों में तो एक रुपया चालीस पैसे का इन्वेस्टमेंट है ले लीजिए अगर एक रुपया चालीस पैसा स्टॉक गिर जाता है तो डेफिनेटली एक रुपया चालीस पैसा थोड़ा तो बढ़ेगा कितना बढ़ेगा वो सब मैं स्टडी बताऊंगा आपको कैसे जज करते हैं बट ये थोड़ा तो बढ़ेगा तो आपके पैसे बन सकते हैं राइट सो ऑप्शन चेन का क्या है अपने को ये क्या बताता है कि कितने लोग खड़े हैं कॉन्ट्रैक्ट्स लेके चेंज कितना हो रहा है ओपन इंटरेस्ट और किस प्राइस पे लोग बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है कॉल में और किस प्राइस में लोग बाय करने इंटरेस्टेड है पुट में ओके ठीक है अब एक कॉन्सेप्ट ऑप्शन का अपने को डिस्कस करना है कि ऑप्शन <coughs> दो तरह के होते हैं इंडिया में एक तो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया पुट वो तो एक ऑप्शन का बेसिक क्लासिफिकेशन है बट ऑप्शंस जो एक्सपायर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज भी ऑप्शन के लैंग्वेज में उसको एक्सरसाइज करते हैं सो एक क्वेश्चन सर इंप्लाइड वो लाइटिलिटी का क्या रोल है सो एंड uh, वो कैसे हाउ डू वी कैलकुलेट दैट ए वैल्यू सब है? करेंगे वो डिस्कशन ओके तो इसीलिए मैंने उस थॉट को एक बार पार्क कर दिया ओके okay. बिकॉज ये नेक्स्ट लेवल का ऑप्शंस का डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभी मैं एक बार बेसिक्स को और क्लियर कर रहा सर सो ऑप्शंस की जब भी हम बात करते हैं दो तरह के एक्सरसाइज करने के तरीके हैं okay. ओके एक यूरोपियन ऑप्शन के तरीके और एक अमेरिकन ऑप्शन का तरीके एक्सरसाइज okay. करने का तरीका अच्छा ठीक है अमेरिकन लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं ना वो कभी भी कुछ भी करना चाहते हैं यूरोपियन थोड़े ठहराव वाले होते हैं वो ठंडे में रहते हैं cool कूल रहते हैं ठीक अच्छा। है उसी एनालॉजी से तुम देखो कि इंडिया में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कहते हैं सी कॉल ऑप्शन इज सी पुट ऑप्शन इज पी अच्छा Okay. और लियर काफी साल पहले वो था सी और पी Okay. पहले वो अमेरिकन ऑप्शन था mm -hmm. लेकिन का, काफी साल पहले उसको बना दिया गया यूरोपियन ऑप्शन डिफरेंस क्या अमेरिकन ऑप्शन को कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है. तो है उसको बोल सकता हूं कि आई एम बायर आई एक्सरसाइज इट द शेयर्स अगर आपने कॉल ऑप्शन कर रखा था एंड ही दैट्स अमेरिकन यूरोपियन ऑप्शन क्या बोलता है जिस दिन एक्सपायरी होगी उसी दिन आपके पास राइट है कि आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि मेरे को लाओ दो ओके। यूरोपियन इज ऑलवेज ऑन एक्सपायरी डे एंड अमेरिकन इज़ दमेर ओके तो पहले अमेरिकन हुआ करता था वो बंद हो गया अब यूरोपियन है ओके okay. दोनों में प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है अमेरिकन के अंदर में बायर हैज अज क्योंकि बैर को पता है कि मैं कभी भी सेलर को हड़का सकता हूँ राइट right. तुम ज्यादा शोर नहीं करेगा हाँ कर hmm. तो तुम डरा सकता उसको उसको रोज डर लगेगा अरे एक्सरसाइज कर दी तो ये एक्सरसाइज कर दी तो राइट बट यूरोपियन के अंदर में सेलर है ज्यादा एज कि जा जो करना है कर दे एक्सपायरी वाले दिन देखेंगे तेरे को राइट hmm. right. तो ये जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है इसमें माना जाता है कि सेलर ज़्यादा हेवियर है इन केस ऑफ यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स ओके और जब ये अमेरिकन हुआ करते थे mm -hmm. तो माना जाता था कि बायर ज़्यादा हेवियर है ओके okay. ओके okay. ये एक प्रिंसिपल एजाम्पन है ठीक है इसको आप आर्ग्यू कर सकते हैं mm -hmm. इसको आप नेगेट भी कर सकते हैं right. प्रजम्पन्स आर कि इट इज़ अ जनरल एक्सेप्टेड नॉम अच्छा। ये प्रज्यूम्ड है कि ये होगा ही mm -hmm. ठीक है और एजम्पन एक्सप्लेटली है ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट खड़ा है इट इज सेलर खड़ा उस से कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट दिख रहे यहां चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहे और यहां भी ओपन इंटरेस्ट दिख रहे है, right, right. तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन सा स्ट्राइक प्राइस में खड़ा 2100 का स्ट्राइक प्राइस में 14,233 ओपन इंटरेस्ट खड़ा है हुँ. तो कैन आई मेक एन क्या ना की सबसे ज्यादा सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन यहीं पे खड़े हाइट राइट राइट अब 2100 सेलर ऑफ कॉल ऑप्शंस खड़े रिलायंस का प्राइस अभी दो हजार अठासी टू थाउजेंड एटी एट इसका मतलब 2100 का कॉल में बहुत लोग बेच रखे हैं ऑब्वियसली बायर तो है क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में बायर भी है सेलर भी है बिकॉज लेकिन ये क्योंकि यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट है हम ये मान सकते हैं कि इसमें सेलर हेवी है अच्छा। ठीक है तो इक्कीस सौ का स्ट्राइक प्राइस में अगर सेलर हेवी है कॉल ऑप्शन में तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है तो इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस और नीचे जाएगा करेक्ट right. और दे आर एक्सपेक्टिंग इक्कीस सौ के तो ऊपर नहीं जाएगा ये मत बोलो कि यार एक्सपेक्टिंग प्राइस और नीचे जाएगा बिकॉज़ अगर वो उनका एक्सपेक्टेशन होगा तो वो 2080 का कॉल ऑप्शन को बेचेंगे या 2050 का कॉल ऑप्शन को बेचेंगे बिकॉज़ जितना नीचे का कॉल को बेचेंगे उतना प्रीमियम ज्यादा मिलेगा हम्म hmm. क्योंकि नीचे का कॉल ऑप्शन मतलब इन द मनी मतलब प्रीमियम हाई राइट और ऊपर का पुट ऑप्शन मतलब इन द मनी मतलब प्रीमियम हाई हम्म तो अगर उनको लग रहा है कि प्राइस और नीचे जाएगा

पुट में भी नौ हजार ओपन इंटरेस्ट है वो भी इक्कीस सौ में है ओके okay. okay. हाँ, लेकिन कॉल ज्यादा है पुट के मुकाबले राइट right. तो सर पुट में भी जैसे कॉल ऑप्शन में सेलर्स आर बिकॉज वी है यूरोपियन तो ऑप्शन तो सब पुट में भी सेलर्स क्योंकि वो भी यूरोपियन राइट right. तो यहाँ पर भी सेलर ज्यादा यस तो इक्कीस का पुट ऑप्शन में सेलर ज्यादा है hmm. तो विद दैट लॉजिक 2100 के ऊपर जाना चाहिए यस राइट हाँ राइट अब तो हम दो दस में आ गए hmm. एक तरफ हमको सर आप बोल दिए इक्कीस सौ का कॉल में ज्यादा है तो इक्कीस सौ के नीचे जाना चाहिए मार्केट और दूसरी तरफ आपने बोल दिया इक्कीसो का पुट में ज्यादा है तो इक्कीस के ऊपर जाना चाहिए मार्केट राइट लेकिन किधर ज्यादा है कॉल का ओपन इंटरेस्ट वर्सेस पुट का ओपन इंटरेस्ट hmm. किसका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है सर कॉल कॉल में राइट right. ये जो ओपन इंटरेस्ट का कंपैरिजन है बिटवीन कॉल एंड पुट इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशियो ओके ओके सो इफ पुट कॉल रेशियो इज हाई इसका मतलब पुट में ज्यादा सेलर है पुट hmm. right. में अगर ज्यादा सेलर है इसका मतलब तेजी है राइट hmm. राइट right, right. और पुट कॉल रेशियो इज लेस इसका मतलब कॉल में ज्यादा सेलर है राइट right. इसका मतलब मंदी मंदी है, है. तो इस केस के अंदर में क्या हो रहा है इक्कीस सौ का पुट कॉल रेशियो चौदह हजार दो सौ तैतीस और नौ हजार इसका मतलब कॉल में सेलर ज्यादा है इसका मतलब इक्कीस सौ के ऊपर रिलायंस को जाने की संभावना कम है राइट गॉट इट तो मैंने आपको एक के साथ में कितने कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने ऑप्शन चेन बता दिया मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का एम्प्लीकेशन बता दिया और मैंने बता दिया तो आप ये साइट में नीचे जाओगे ना ओपन इंटरेस्ट तो एक लाख अट्ठाईस हजार और क्यूमुलेटिव पुट का ओपन इंटरेस्टिस छियालीस हजार इसका मतलब क्यूमुलेटिवली लोग रिलायंस में कॉल ऑप्शन बेच रखे हैं इसका मतलब एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है कि लोग ऑप्शन में सेलिंग ही कर रहे हैं। right. मतलब राइट? कि नीचे कॉल ऑप्शन बेच रहे तो प्राइस नीचे जाएगा। मजा आता आपको पढ़ाने में वेरी सीरियस यू आर तो एनालिसिस समझते हैं yes, मैंने yes, इसको कहते हैं डेरिवेटिव okay. मैंने कांसेप्ट आपको बताया था शुरू में शायद वीडियो में बताया था कि एक सेंटिमेंट एनालिसिस कुछ होता है जहां पर उसमें क्या होता है कि आप मार्केट का डेटा से सेंटिमेंट निकालने की कोशिश करते हैं वन ऑफ द डेटा इज ऑपरेटर का डेटा राइट right. जो आपने डिस्कस किया कैसे ओआई और डिलीवरी देके हम ऑपरेटर का इंटेक्ट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंटिमेंट इंडिकेटर कि अगर जिस स्टॉक के अंदर में पुट कॉल रेशियो हाई है इसका मतलब उस स्टॉक के अंदर में पुट में सेलर ज्यादा है इसका मतलब वो स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा हम्म हम्म नीचे जाएगा सर so, करेक्ट तो so. और अगर पुट कॉल रेशियो कम है इसका मतलब कॉल में सेलर ज्यादा है इसका हुँ. मतलब वो स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा राइट ठीक है अब बात ये आई है कि पुट कॉल रेशियो हम निकाल रहे हैं ओपन इंटरेस्ट को देख के जो कि कल का ओपन इंटरेस्ट बट रियल टाइम बेसिस पे काम भी तो चल रहा है तो ओपन इंटरेस्ट चेंज भी तो हो रहा है हो तो इसका मतलब ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इसको भी देखना पड़ेगा बिकॉज सेंटिमेंट चेंज भी तो होते हैं राइट right. अगर प्राइस चेंज होगा उसके हिसाब से सेंटिमेंट चेंज होगा बिकॉज कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना कि इक्कीस ही रहेगा जिसने पोजिशन बना रखा है वो भी तो गलत हो सकता है तो वो भी तो अपना पोजिशन काटने आएगा घबराहट hmm. होगी उसको भी डर right. सबको लगता है इक्कीस तो सौ में अगर स्ट्राइक प्राइस में कुछ परिवर्तन होंगे तो इसका मतलब मार्केट में कुछ हो रहा है तो हमको ध्यान रखना है ओके। तो वो परिवर्तन कैसा पता लगेगा ओपन इंटरेस्ट चेंज से तो अभी देखिए ओपन इंटरेस्ट चेंज कॉल में भड़ा है और पुट में घटा है ये एट द मनी यहाँ हाँ एट द मनी पे फोकस करें फिर अपने ऊपर नीचे भी चले जाएंगे बट एक बार एट द मनी पे फोकस कर बिकॉज एट द मनी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है तो कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और पुट में घटा है इसका मतलब कॉल में और सेलिंग हुई है और पुट में कवरिंग हुई है ओपन इंटरेस्ट घटना मतलब कवरिंग राइट यस इसका मतलब पुट जिन्होंने बेचा है वो काट रहे हैं hmm. Hmm. और कॉल जिन्होंने बेचा है शायद और बढ़ा रहे हैं इसका मतलब रिलायंस में किसी भी हालत में आने वाला तीन दिन में तेजी नहीं हो सकती है hmm. क्योंकि कॉल भी और बिक रहा है और पुट भी रिकवर हो रहा है right. अब थोड़ा और दूर जाते हैं एट द मनी हमने देख लिया अब इन द मनी एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी और एड करते हैं एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी और करते हैं तो 2080 का कॉल में दो हजार अस्सी हो रहा है 2080 का पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हल्का हल्का हो रहा है बहुत बड़ा नहीं हो रहा हल्का हल्का हो रहा है बीस के कॉल में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है 2120 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप माइनस हो रहा है इसका मतलब मोटा मोटी समझ में आ गया है कि 2100 के ऊपर तो रिलायंस नहीं जाएगा क्योंकि कॉल में ऊपर में ओपन इंटरेस्ट सब में बिल्डअप हो रहे हैं और पुट में ऊपर में ओपन इंटरेस्ट सब में कम हो रहे हैं राइट इसका मतलब मुझे रिलायंस में बेच के खेलना है राइट राइट इसका मतलब ये नहीं कि कल बेच देंगे हमारा टेक्निकल मॉडल भी क्या बेचने बोल रहा है बार हाँ चलिए अपना टेक्निकल मॉडल मेरा मॉडल में दिखाता हूं आपका मॉडल तो मैंने आपको सिखा दिया था yes, बट अब मैं अपने मॉडल के हिसाब से बताऊंगा और ये मॉडल भी मैंने सिखा दिया लोगों को सेशन नंबर थर्टी वन में yes, तो वो अगर नहीं फॉलो करेंगे तो बहुत गलत बात है अब देखिए रिलायंस में अभी क्या हो रहा है आर एस ऑलमोस्ट जीरो के पास है hmm. और प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है टू आवरली चार्ट में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव चला गया hmm. तो मैं क्या रिलायंस में अभी अभी so, अभी मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि नेगेटिव बायस कंसोलिडेट कर रहा है hmm. तो मैं कुछ ऐसे स्ट्रेटजी पे काम कर सकता हूँ जो रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज हैं जिसमें मुझे मार्केट में रेंज भी रहेगा तो भी पैसा मिल जाएगा ओके okay. वो सिर्फ ऑप्शंस में हो सकता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज तब तो आपको पता लगेगा कि कैसे तेजी के बाजार में ऑप्शंस को यूज करके कमा सकते हैं मंदी के बाजार में कैसे कमा सकते हैं और खड़े बाजार में कमा सकते हैं सर so, एक क्वेश्चन है सर so, जब मैं देख रही हूँ कि ये मंदी में है अगर रिलायंस तो विल आई सेल अ कॉल ऑप्शन और विल आई बाय अ पुट ऑप्शन व्हाट विल अ नॉर्मल पर्सन डू

और आ, आपने अगर तक ओपन इंटरेस्ट का अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम आपको नीचे दे देंगे ताकि अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है उसको आप प्रॉपरली समझ लें अब निफ्टी को देख लें तो निफ्टी अभी क्या भाव में चल रहा है निफ्टी चल रहा है पंद्रह ठीक है तो इसका एट द मनी क्या होगा राइट right. यहां पर OI सबसे ज्यादा है निफ्टी में यहां पर सोलह हजार का कॉल ऑप्शन में

तो ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है सबसे ज्यादा चेंज 15,800 में भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है इसमें भी, इस भी हो रहा है सब जगह ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रही है ऊपर वाले स्ट्राइक में और नीचे में यहां पे इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है इसका मतलब लोगों को लग रहा है कि ये इस रेंज में ही रहेगा इसीलिए वो लोग नीचे का पुट भी बेच रहे हैं और ऊपर का कॉल भी बेच रहे हैं so, मतलब इट्स अ वेरी इट्सिंग स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ इट्स नो देयर इज नो कन्फ्यूजन देयर इज अ श्योरिटी कि मार्केट यही रहेगा देयर इज नो रेंज के बीच में रहेगा ओके ऑप्शंस में एक पावर है कि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है जो फ्यूचर्स नहीं दे सकता है देख दे फ्यूचर्स में जब आप ट्रेड करोगे तो आपका एक क्वेश्चन आएगा ना कि सर कन्फ्यूजन है ऑप्शंस बोलता है कोई कन्फ्यूजन नहीं क्लैरिटी है यही रहेगा बड़े लोग जो बिल्ड कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि यही रहेगा इसलिए मैं बेच रहा हूँ बड़े लोग हमेशा बेचते हैं छोटे लोग लेते हैं राइट और क्यूमिटी ओपन इंटरेस्ट देखें, तो 11 लाख कॉल ऑप्शन और 11 लाख पचास हजार पुट ऑप्शन मतलब टक्कर की लड़ाई है राइट कॉल सेलर भी यहाँ अच्छे हैं, पुट सेलर भी अच्छे हैं मतलब दोनों को सेल किया जा रहा है इसका मतलब मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा इसलिए दोनों तरफ के सेलर्स मार्केट में आ गए okay. right. बैंक निफ्टी, देखें। निफ्टी तो आप जानते, ही। बैंक निफ्टी आप जानते हैं बैंक निफ्टी देखते सो so, बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है पैंतीस तो पैंतीस इसका एट मनी होगा पैंतीस का ओ है सबसे ज़्यादा ओआई है देखो पैंतीस हज़ार में कॉल में और बढ़ भी रहा है और सबसे ज़्यादा पुट का ओ है यहीं पर ही और इसमें भी बढ़ रहा है नीचे भी बढ़ रहे हैं यहां सारे और यहाँ पर भी सारे ऊपर बढ़ रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे माना जा रहा है कि रेंज में रहेगा बट रेंज में कब तक ये कौन सा एक्सपायरी है

लेकिन इंडाइसिस में बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर में वीकली एक्सपायरी भी है ओके okay. ठीक है तो एक बार अपने निफ्टी को देखते हैं निफ्टी में चलते हैं बार बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं बिकॉज आई डोंट वांट यू टू लुक एट बैंक निफ्टी डोंट ट्रेड बैंक निफ्टी बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली वॉलीटाइल एंड यू कैन लूज लॉट ऑफ मनी इफ यू ट्रेड बैंक निफ्टी टू इफ एट ऑल यू हैव टू डू है निफ्टी इज बेटर तो निफ्टी के अंदर एक बार चलते हैं पांच अगस्त का है बारह अगस्त का है, अठारह अगस्त का है और छब्बीस अगस्त, तो अगस्त, तो अगस्त का ऑप्शन है तो सबसे ज्यादा ओवाई बिल्डअप है पंद्रह हजार आठ सौ में सॉरी यहां पे सोलह हजार में इसका मतलब सोलह हजार में कॉल लोगों ने बेच रखा है तो सोलह हजार के ऊपर जाने की संभावना कम है और नीचे में सबसे ज्यादा है यहाँ पे पंद्रह हजार पांच सौ में तो पंद्रह हजार पांच सौ में लोगों ने बेच रखा है hmm. तो रेंज क्या है फॉर वन मंथ बिकॉज़ इसका एक्सपायरी एक्सपायरी है है इसका कब छब्बीस hmm. अगस्त सो so, हर एक्सपायरी के हिसाब से रेंज डिफाइन होता है डिपेंडिंग ओपन इंटरेस्ट इन मार्केट सो सो व्हेन द रेंज सो रेंज बड़ा है इसका मतलब पीरियड hmm. बड़ा है ना ये तो ये तो एक महीने के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं इसीलिए रेंज बड़ा है hmm. जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना रेंज बड़ा होता है बिकॉज वॉलिटिलिटी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है ओके okay. छोटे टाइम फ्रेम में तो पता है तीन दिन में एक्सपायर होगा तो वोलाटिलिटी कम होगा hmm. बस जितना बड़ा रेंज जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतना वॉलीटिलिटी बढ़ने की संभावना है ओके ठीक है एक बार ये ऑप्शन चेन वाला डिस्कशन को यहीं पर ही कंक्लूड हैं ओके बिकॉज दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट लुकिंग एट दिस ऑप्शन चेन जहां पर प्रीमियम का वैल्यू को आप देखना चालू करोगे ओ को देखना चालू करोगे और यू नो कॉल इनपुट दोनों का तो एक एक फीलिंग आना चालू हो जाएगा कि ऑप्शन एग्जैक्टली exactly क्या hmm. है नेक्स्ट hmm. वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंप्लाइड वोलाटिलिटी ऑप्शन का प्राइस कैसे चेंज होता है कैसे डिजाइन होता है वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते okay. तो दोस्तों ये था ऑप्शन चेन के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन अब आप एक काम करिए ऑप्शन चेन देखना चालू करिए ऑप्शन चेन एन के साइड पे बहुत प्यार बहुत प्यारे से लिखा हुआ है तो आप उसको यूज़ करिए और जो जो एक्टिव स्टॉक्स हैं जिनमें ऑप्शन एक्टिव है वो एफ के स्टॉक्स देख लीजिए जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है टिपिकली उन्हीं में ही ऑप्शन एक्टिव है तो आप उनके ऑप्शंस को देखना चालू करिए अगर चालू करना है तो एक्चुअली आप निफ्टी बैंक निफ्टी से कर सकते हैं बिकॉज उसमें एक्टिविटी सबसे ज्यादा है तो उनके ऑप्शन चेन को एटलीस्ट ऑब्जर्व करना चालू करिए और वहां से छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करिए थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आशा करता हूँ मेरा काम पसंद आ रहा होगा आपको और आप मेरे काम को शेयर जरूर कर रहे होंगे और ये सीरीज बहुत जबरदस्त सीरीज बन रहा है तो कोशिश करिए कि जितने यंगस्टर्स है जितने यू नो पीपल हुआ न्यू इन टू द मार्केट हु हुट टू कम इन टू द मार्केट जितना आप शेयर करेंगे उतना हमारे देश में सही नॉलेज फैलेगा बाय दोस्तों टेक केयर ऑफ यू सर।